वेलकम टू बिजनेस टॉक शो, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई बुक का रिव्यू करेंगे। ये बुक का नाम है लक्ष्य टारगेट, उम्मीद से पहले पाएं हर मनचाही चीज। इसके लेखक हैं ब्रायन ट्रेजी और इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने किया है। मंजुल प्रकाशन हाउस की किताब है और ये बहुत ही बढ़िया किताब है। हिंदी में आप इसका रिव्यू लेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए अब हम इस हिंदी बुक में इसके रिव्यू को देखते हैं। लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको किन चैप्टर्स को समझना होगा? ब्रायन ट्रेजी कहते हैं, अपनी सफलता का ताला खोलें। अब इंसान की संभावना का उस महासागर की तरह है जिसमें यात्रा नहीं की गई है। आप उस नए महाद्वीप की तरह हैं जिसे खोजा नहीं गया है। संभावना की पूरी दुनिया मुक्त होने और महान काम करने के लिए मार्गदर्शन का इंतज़ार कर रही है। ब्रायन कहते हैं, सफलता का मतलब लक्ष्य है, बाकी सारी चीज़ें कमेंट्री है। सभी लोग, सफल लोग पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित होते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, उसे हासिल करने के लिए वे हर दिन अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। लक्ष्य तय करने की आपकी क्षमता ही सफलता की सबसे बड़ी योग्यता है। लक्ष्य आपके सकारात्मक मस्तिष्क का ताला खोलते हैं। मंजिल तक पहुंचने वाले मददगार विचारों तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं। लक्ष्य के बिना आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते। जिंदगी की लहरों पर डुबकी लगाते रहेंगे, लहराते रहेंगे, जबकि लक्ष्य होने पर आप तीर की तरह उड़कर सीधे निशाने पर पहुंच जाएंगे। सो दोस्तों, सफलता का एक ही नियम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप छोटा काम सा अंश हैं या छोटा कर रहे हैं या कहां जा रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कहां जा रहे हैं और आप कहां पर पहुंचे हैं और कहां और पहुंचना है। आप सिर्फ आप और आपके विचार ही तय करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आपकी क्षमता का विकास बहुत अधिक हो जाता है और आपकी प्रेरणा मोटिवेशन बहुत स्ट्रांगली काम करता है। और सेल्फ डिसीजंस के साथ आप सेल्फ ट्रेनिंग करके आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। एक प्रश्न है, यदि लक्ष्य वाकई इतने अच्छे हैं तो लोग लक्ष्य तय क्यों नहीं करते? द क्वेश्चन इज मार्क दैट वाई डोंट पीपल मेक द टारगेट। तो यहाँ पे हिंदी में कहा गया है कि यह एक बहुत अच्छा सवाल है। लक्ष्य खोजना सेल्फ डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है। हर कोई लक्ष्य नहीं बनाता। दुनिया में मुश्किल से 3% लोग लक्ष्य को हासिल करते हैं, बनाते हैं और तैयार करते हैं। लोगों के पास स्पष्ट लिखित और योग्य समयबद्ध लक्ष्य क्यों होते हैं और उसको वे क्यों हासिल नहीं कर पाते हैं? दिशा और चीज़ें क्यों काम नहीं करती है? हर दिन काम करें, यह जीवन का एक बड़ा रहस्य है। मुद्दा यह है कि कई लोग लक्ष्य के बारे में जानते ही नहीं कि लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं। इसके कारण लोग लक्ष्य को नहीं बना पाते हैं। मोस्टली कई लोग वे असफलताओं के कारण डर जाते हैं कि यदि मैं लक्ष्य बना भी लिया और हासिल नहीं किया तो मुझे इससे असफलता मिलेगी। उन्हें अस्वीकृति का भी डर होता है कि मैं, हो सकता है यदि लक्ष्य बना लूं तो शायद मैं रिजेक्ट हो जाऊं। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण लोग लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। इसके अगले चैप्टर में लेखक कहते हैं, अपने भविष्य का निर्माण करें। आप अपनी नियंत्रणकारी इच्छा जितने छोटे बन जाएंगे, अपनी प्रबल अभिलाषा जितने बड़े आप बन जाएंगे। भविष्य के बारे में सोचें कि आप मिलियनेयर कैसे बन सकते हैं, कैसे आप 5 साल में अपनी कंपनी को खड़ा कर सकते हैं। सोचें, कल्पना करें, क्योंकि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। नीला आसमान की सोच का अभ्यास करें, द स्काई ऑफ लिमिट, ब्लू स्काई थिंकिंग। यानी कि आपको बड़ा सोचना है और बगैर लिमिट में आपको सोचना है। अपने सपनों से समझौता ना करें। ये कैसा दिखेगा, ये कौन सा, कहाँ कर रहे होंगे आप, कहाँ काम कर रहे होंगे आप, किसके साथ काम कर रहे होंगे, आपकी जिम्मेदार का स्तर क्या होगा, आपके पास किस तरह की योजनाएं और योग्यताएं और क्षमताएं होगी, आप किस तरह के लक्ष्य हासिल कर रहे होंगे, आपके क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा क्या होगी।
असीम चिंतन का अभ्यास करें कि आप एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल में किस तरह के जीवन को आप जीना चाहेंगे। यही इस किताब में दिखाया गया है। लक्ष्य तरह तरह के हो सकते हैं, चाहे लक्ष्य फाइनेंशियली टारगेट्स हो, फिटनेस टारगेट्स हो, चाहे बिजनेस टारगेट्स हो, चाहे सोशल टारगेट्स हो, टारगेट्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं। लेखक ने इसमें यही दिया है कि आप भविष्य का निर्माण कैसे करते हैं, लक्ष्यों को बनाकर अपने भविष्य का निर्माण करें। इसके अगले चैप्टर में लेखक कहते हैं कि फैसला करें कि आप सचमुच क्या चाहते हैं, अपने सच्चे लक्ष्य को तय करें, क्योंकि सच्चे लक्ष्य ही आपको सच्ची जगह पर पहुंचा पाते हैं। आपको तय करना है बिजनेस में आप कितना महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाह रहे हैं, आर्थिक लक्ष्य आपके किस तरह के होंगे, और सेहत से संबंधित यदि आपके लक्ष्य है तो फिटनेस कितने दिनों में, कितने घंटों में, कितनों महीनों में आपको आएगा। टाइम बाउंड के साथ आपको जीवन का पूरा लक्ष्य बनाना है। और असफलता का कोई डर नहीं होना चाहिए। हमेशा से क्या करना चाहते थे लेकिन उसकी कोशिश करने से कई लोग घबराते हैं, और ये घबराहट ही उन्हें अपने लक्ष्यों को तय नहीं करने देती। दोस्तों, इस तरह इसके पहले पार्ट में आपने देखा कि लक्ष्य को किस तरीके से तैयार किया जाता है। दोस्तों, ये चैनल्स आपको पसंद आया हो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और ज़्यादा पसंद आए तो कुछ चार पांच दोस्तों को ज़रूर इसको शेयर करें, जिससे कि आपकी गुडविल, आपकी क्रेडिबिलिटी इससे बढ़ती है, आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, क्योंकि आप अच्छे काम में हाथ बटा रहे हैं और इसी से मुझे भी प्रेरणा मिलती है। यदि आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, अच्छा या बुरा, जो भी आपको पसंद होता है। जय हिंद, जय भारत।